इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। जो लोग भी विजिट करना चाहते हैं वहां पर लाइन लगा खड़े हो जाए। और जीतू भाई धीरे जिना चुरन जिमानिया संपत्ति वाणी सेवा ओम प्रीम जी क्लिप ए पर वम 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 महा महा सम 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 जम जम जी जी। देखिए अब सौदे मित्र कहां पर है वो खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। कुबेर जी प्रवासीवाणी सर्वमारी सर्वमहिष्मारी सर्वधान्यमारी सर्वऋषिमारी सर्वधर्मारी सर्वत्रमारी सर्वशुमारी सर्ववेदान साथी डाकनीयम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम Thank you.
पढ़ना है और कल सैयाम के लिए मेरा केस फोल्डर करें और केस फोल्डर करके मुझे सीरीज सभी आगे बढ़ाएं। तो देखिए पार्षद कुमार के द्वारा कहाँ मेरा लूँ और कहाँ पैसे लिए, लेकिन यहाँ पर जो है 10 सेक्शन एक आपके साथ में है, इनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, जोड़ा से आए हुए हैं और इनकी भाव की मुद्रा है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कल केस फोल्डर एक बार हो और कचहरी जी में भी इनका जैसे हम लोग 12-13 लोग हैं, कुछ 12 लोग हैं तो 13 नंबर पर हमारे जाते समय कचहरी से कम से कम। व्यवहार में देखा जाता है कि दुकानें बहुत सारी होती हैं। एक दुकान तो ऐसी होती है जो 24 घंटे भी खुले तो उस पर 24 घंटे ग्राहक भी आ सकते हैं। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो 24 घंटे भी खुलें तो भी उसमें दिन भर में 5-7 ग्राहक आते हैं और उनमें से 1-2 लोग होते हैं जो सामान को खरीदते हैं। उसी प्रकार से आज का जो धर्म है उत्तम सत्य का, वह सत्य धर्म ऐसा है कि जिसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जिसको हर कोई पाने का तो प्रयास कर सकता है लेकिन हर कोई उसको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अन्य दुकानों में दिन भर ग्राहक हैं, मान के चलिए कि कोई सब्जी की दुकान है, कोई किराने की दुकान है, कोई खाने पीने की अन्य दुकानें हैं, उनमें 24 घंटे ग्राहक भरपूर है और जो भी व्यक्ति आता है कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु लेकर जाता ही है। और दूसरी जो दुकान है वह सोने चांदी हीरे जवाहरत की दुकान है, उसमें 24 घंटे में से 5-7 ही ग्राहक आते हैं और उसमें से एक व्यक्ति ही सामान को खरीद कर ले जाता है। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति शाम को घर पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा? 24 घंटे वाले के पास। सबसे ज्यादा पैसा सोने चांदी वाले के पास होगा, अर्थात असत्य में कितने भी सारे लोग हों वह एक तरफ रहता है लेकिन सत्य बोलने वाला एक व्यक्ति हमेशा उन सारे लोगों से भारी होता है कि सारे असत्य एक पलड़े पर और एक सत्य महामंत्र नमोकार एक पलड़े पर, हमेशा नमोकार महामंत्र का पलड़ा सत्य का पलड़ा भारी रहेगा। आज लोग झूठ बोलते हैं। एक बात में जितने लोग यहां पर बैठे हैं उन सबसे कहूंगा कि जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी आपदा आ जाए, आपको कभी भी भगवान के समक्ष, जिनवाणी के समक्ष और गुरु के सामने झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के झूठ, दुनिया भर के छल, दुनिया भर के प्रपंच आप आकर मंदिर जी में भगवान के सामने अर्घ चढ़ाते हो कि हे भगवान मेरे सारे पाप कर्मों का नाश हो, लेकिन इनके सामने ही झूठ बोलोगे तो क्या होगा? आपको लगता है कि मैं सबके सामने कोई बात नहीं बोल सकता, आप मौन हो जाइए, आप कहिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन असत्य मत बोलिए, क्योंकि गुरु जिनके लिए आप अपने घर में बच्चों को भूखा छोड़ के आते हो कि महाराज को आहार देना है, और जब महाराज जी आहार में पूछते हैं ऐसा इशारा करके, क्या इशारा होता है? आप सबका त्याग हो गया इसलिए समझ नहीं पा रहे हो आप। आलू होता है, एक आलू की सब्जी होती है, आलू समझते हो आप लोग? पाप लग जाएगा सारों को, सत्य वाला दिन है, सब ऐसे बोले जैसे कोई जानता ही नहीं। तो जब महाराज जी पूछते हैं आहार के समय ऐसा इशारा करते हैं, मतलब क्या होता है? आलू। तो महिलाएं पुरुष खड़े होकर बोलते हैं कि महाराज जी टमाटर का त्याग है, क्या करते हैं? टमाटर का त्याग है, केले का त्याग है। और कई तो क्या करते हैं, एक बार एक महाराज ने पूछा कि भाई आलू का त्याग है, उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी के पूरे संघ का आजीवन आलू का त्याग है। क्या कर रहा है? तो यहां पर सत्य बोलने की बात है, सत्य को धारण करने की बात है। आप मायाचार क्यों? आप कह दो महाराज जी मुझसे 2 दिन होगा, 5 दिन होगा, आहार ही तो नहीं लेंगे और क्या करेंगे? आप घर से घर वालों को भूखा छोड़कर उनके भोजन की व्यवस्था बनाकर आहार देने आ रहे हो। और कई बार क्या होता है, जब लोग चौके में आहार देते हैं ना, हालांकि वो भावना होती है, लोग मेरे पास में आते हैं बोले मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो मैं कहता हूं शुद्धि बोलिए, तो बोलते अब भी तो देके गई थी, क्या कर रहे हो? अरे भाई आप बोलिए मुझे और देने का मन है, बात करता हूं मैं, अब ये क्यों कहते हो मैंने दिया ही नहीं?
जब से तुम ही दिए जा रहे हो मैं दे ही नहीं पा रहा हूं, ऐसा मत करो। जिस तरह से दूध में यदि पानी मिलाओगे तो पूर्णतः दूध का फल नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से यदि जीवन में यदि असत्य रूप से आप देव शास्त्र गुरु की सेवा करोगे तो जो पूर्ण फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। तो असत्य लोग किस कारण से बोलते हैं? कई लोग क्रोध में असत्य बोलते हैं। जब इंसान को क्रोध आता है, उसका बच्चा कोई गलती कर देता है तो लोग गुस्से में बच्चे को क्या बोलते हैं? तू किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? अरे आपका पड़ोसी क्या बोलता है बताइए, आप छोड़िए, आप अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलते। जब इंसान क्या होता है, जब गुस्सा आती है तो अपने बच्चे को बोलता है तू गधे का बच्चा है, तो गधा कौन हुआ, गधा कौन हुआ? तो ये क्या हुआ कि गुस्से में झूठ बोला जा रहा है। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, बोले महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे ने मेरी नाक कटा दी। मैं उस इंसान को देखता हूं ऊपर नीचे, मैंने क्यों मजाक करते हो? बोले महाराज जी आपको मेरी हर बात मजाक लगती है, मेरे बच्चे ने मेरी नाक कटा दी। तो मैं दो चार लोगों से पूछता हूं, ये आदमी नकटा लग रहा है क्या कहीं से? बोले नहीं। ये क्या होता, क्रोध के कारण। दूसरा डर के कारण, कि इंसान कई बार डर के कारण भी झूठ बोल देता है। और ध्यान रखिएगा, आप चाहे डर के झूठ बोलो चाहे क्रोध में झूठ बोलो, जब बचपन में गलती होती है, माता पिता कुछ बोले ना, गुरु कुछ बोले ना, तो इंसान झूठ बोल देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक सत्य को छुपाने के लिए इंसान को सैकड़ों हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन कभी क्या होता है वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार ऐसा ही हुआ, दिल्ली में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था। कौन से स्टेडियम में? फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसमें मैच चल रहा था। और उस समय मैच और भारत पाकिस्तान का मैच बड़ा चरम सीमा में हुआ करता था। एक स्कूल में उसी समय 10वीं की परीक्षा चल रही थी, 12वीं की परीक्षा चल रही थी, और उस समय एक व्यक्ति अपनी टीम को लेकर स्कूल के अंदर घुसा, सीधा सीधा एक क्लास में घुस गया। आप समझते हो जब 10th 12th की बोर्ड पर एग्जाम होते हैं तो उस समय कई लोग क्या करते हैं, जो चेकर होते हैं परीक्षा चेकिंग करने वाले, अचानक पहुंच जाते हैं बिना सूचना के। जो काम आजकल इनकम टैक्स ईडी वाले करें ना, जो अचानक पहुंच जाते हैं, ऐसे स्कूलों में हो जाता है। चलो वहां पर पहुंचे, उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, बोले इस क्वेश्चन को हल करिए। ऐसे करके उन्होंने 7वें नंबर वाले बच्चे को बुलाया और बोले क्वेश्चन को हल करिए। तो इतने में जो पहले नंबर का बच्चा था वह आया और क्वेश्चन को हल करने लगा। तो उसने आओ देखा ना ताओ, बोले क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम पहले नंबर के बच्चे हो और 7वें नंबर के बच्चे की जगह जाकर एग्जाम दे रहे हो? बोले बताओ कहां पर है आदमी? तो उसने डरते डरते जवाब दिया, सर मेरा दोस्त जो है वह क्रिकेट का शौकीन है, तो एक क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में गया हुआ है। अब उसका तो आग बबूला हो गया। उसने उसके मास्टर से पूछा कि तुमको भी पता नहीं है, तुम्हारे स्टूडेंट कौन से हैं, कौन सा स्टूडेंट कब आ रहा है, ये हो रहा, चलो प्रिंसिपल के पास। उस मास्टर को लेकर वो प्रिंसिपल के कक्ष में गया, उसके पीछे मास्टर कहता भाई मुझे माफ कर दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे। बोले क्यों? बोले एक्चुअली मैं इस क्लास का मास्टर नहीं हूं, मेरा जो क्लास का मास्टर है वह मेरा दोस्त है और वह क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम गया है। अब तो उसको आओ देखा ना था, वो बड़ा गुस्सा, बड़ा तेज गुस्सा, वह प्रिंसिपल के रूम में गया। बोले आप प्रेयर में गए थे? बोले गया था। तो बोले आपको पता नहीं है कि आपके वहां पर कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा आपका शिक्षक गायब है? प्रिंसिपल ने नाम लिखा। बोले क्या नाम है, कौन सी क्लास की बात है? बोले अब इसकी खैर नहीं होगी। जब वह दोनों जाने लगे तो प्रिंसिपल ने उसको चेकर को बुलाया, बोले भाई सब एक बात कहूं? बोले बोलो। एक्चुअली मैं इस स्कूल का ओरिजिनल प्रिंसिपल भी नहीं हूं, ओरिजिनल प्रिंसिपल तो क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में गया है। उसने सबके नाम लिए, फोटो खींची, सब कुछ किया, और उसके बाद में वह जाने लगा। अब तीनों परेशान कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और वह लोग दरवाजे के बाहर निकल गए। इतने फिर एक गाड़ी आई, उस गाड़ी से वही आदमी निकला, प्रिंसिपल के कक्ष में गया। बोले चिंता मत, तो कुछ नहीं होगा,
चलो सब लोग बोले भाई प्रिंसिपल बहुत अच्छा किया। अरे बोले तुमको इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि बात यह है कि मैं ओरिजिनल चेकर नहीं हूं, जो ओरिजिनल चेकर है वह भी क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में गया हुआ है। तो क्या होता है, एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को एक 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 कर कितने झूठ बोलने पड़ते। ये संसार में हो रहा है, ओरिजिनल कुछ है, रियल कुछ है। लोग मेरे पास में आते हैं कि महाराज जी आपके सामने हम नरियल लेकर आए हैं कि हमारे गांव में आओ। मैं कहता मुझे नहीं जाना। तो साधु लोग बोलते हैं, बोले क्यों महाराज जी ऐसी क्यों बात करो। जब वो कहते हैं कि क्या लेकर आए हैं, नारियल लेकर आए हैं, तो मैं कहता हूं बोलो ना रियल। इसका मतलब क्या हुआ, ना रियल की ओरिजिनल नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।